लो जनाब कुत्ते तो तुम बड़े वेखे गलिया महलिया बाजारों लोगों ने कोठियों लोगों ने गुडिया च लोगों ने हाथों चुनाव ने सभी ने बड़े आते जाते कुत्ते वेखे बड़े बड़े वी आई पी कुत्ते ने लेकिन मेरा कुत्ते बहुत वाह पैदा रहा है क्योंकि सारी जिंदगी होगी पैदल स्ट्रगल करते हैं तो मैंने कुत्ते आते जाते बहुत मिलते हैं मेरे तो इन्ने वाकफ कुत्ते ने मैंने कोई कुत्ता वढ़न की कोशिश करे तो मैं अगले कुत्ते का दस दिना वो वजह मेरा हजार कर दिया तुम यकीन करो कई कुत्ते ने मैं आप क्या और चाह छपी नहीं लेकिन मैं क्या नहीं लेकिन कहना उन्होंने आवाज पे मसला है ऐसे सारा यह बोली किसी किसी आती है जनाब यह अल्लाह का शुक्र है कि कुत्ते मेरे ना बड़ा प्यार करते हैं तो कुत्तिया कुत्तिया मैं कुत्ते ही होना पैदा है मैं देखिए कि जनाब इधर मैं सड़क पर जा रहा चलते चलते वेखी एक पार्क के वाला कुत्ता वही गड्डी लैके बैठा उन्होंने वाहवा गोश गुश लगा से कुत्ते ने उन्होंने खाना शुरू कर दिया एक छोटा बच्चा कुत्ता आया वो हरे का बच्चा नहीं सी वो किसी होर का बच्चा थी मैंने यकीन है वो जो छोटा कुत्ता सी ना वो किसी कुत्ते का पुत्र से और वाकई कुत्ता सी उन्हें आके उन्होंने तंग किया हूँ वो उन्होंने तंग कर रहा है तो वह हड्डी खा रहा है तो वह डिस्टर्बिंग महसूस करके तो उन्होंने किस तरह मारता है तो भजाता है तो वह किस तरह जाता है तो दोवों की आवाज़ मैं तुम्हें सुना तो तुम जरा सुन के मैंने दसना सही है क्या हम वा कुत्ता हड्डी खा रहे हूँ बिच छोटे कुत्ते ने भी लात लाई वा कुत्ता तंग आ के इको सह च इको बारी दंदी वढ़ जाती और रोता किस तरह जाता मिला तो लो जनाब कैसा रहा छोटा तो वाला कुत्ता वेरी गुड मैं यकीन तुम पसंद आया रहेगा और तुम इस कुत्ते लभन की कोशिश कर रहे क्योंकि मैं कुत्ता नहीं बेचा ये मेरे गले च फसे है ये मैं कुत्ता तर नहीं दिया एक कुत्ता मैं ऐसा वेखे जनाब तुम जिंदगी नहीं सोच वो ऐसा नैश कुत्ता मैं वेखे ना वो भौंकता है ना वो धंधी वढ़ सिर्फ गर्मियों च अद्धा नाली च अद्धा बाहर बैठा वो बहन का स्टाइल एक कुत्ते ने आकर कहा यार नहर तेरी उन्हें चुप कित उन्होंने क्या तो उस बाद कुत्ता मक्खी किस तरह खाता जरूर रोटी एम लगा कैसी मक्खी खाती है इस तरह को बंदा नहीं खा सकता मैंने पता लग गया था तुम्हें मक्खी खाना बहुत पसंद आया